आजादी के बाद सारी चीजें इन्होंने बेच डाली, बस तिरंगा बचा था उसे भी बेच डाला। देश में केवल दो स्वतंत्रता सेनानी, वह भी एक ही राज्य के, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल। रीवा में वृंदावन गार्डन में आयोजित तिरंगा सम्मान में लगाया भाजपा पर आरोप। सारी पुरानी चीजें बेचने के बाद अब इन्होंने झंडे को भी बेच डाला। आज तक के सबसे बड़े घोटालों में से एक है तिरंगा घोटाला। अब इनकी नजर गांधी जी पर है। बीजेपी में दो फ्रीडम फाइटर हैं, एक ही प्रांत के हैं, जिनकी नजर अब गांधी जी के नाम पर है। ना जाने कब इसको भी हड़प लें। सरदार पटेल की मूर्ति बनाकर कहते हैं सरदार पटेल हमारे हैं। हिंदुस्तान में इन्होंने सब कुछ बेच डाला। आजादी के बाद जितने भी प्रधानमंत्री आज तक हुए, उनकी बनाई हुई चीजें, इन्होंने जो भी बनाया था वह सब बेच डाली। जब बेचने के लिए कुछ नहीं बचा, तब इनकी नजर एक पुरानी चीज पर पड़ी और वह था हमारे देश का झंडा, भारत का झंडा। इसे भी इन्होंने नहीं छोड़ा, इसे भी बेच डाला। यह तिरंगा घोटाला आज तक का सबसे बड़ा घोटाला होगा अगर इसकी जांच की जाए तो। इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जानी चाहिए। मैं दावे के साथ कहता हूं, खरीदा है 15 रुपए में, बेचा 30 रुपए में। उक्त बातें कहीं पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल ने रीवा में कांग्रेस की तिरंगा सभा में। हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे भी पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल ने तिरंगा सभा में और क्या कुछ कहा। रीवा में कांग्रेस की आज तिरंगा सभा थी। उस सभा में खास तौर से भाग लेने आए थे पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल, जिनका साफ तौर से कहना था इस देश में केवल दो ही लोग ऐसे हैं जो कुछ भी कर सकते हैं। अब उनकी गांधी जी पर है, किसी दिन वो गांधी जी को भी बेच डालेंगे। सरदार पटेल की मूर्ति बनाई और कह दिया सरदार पटेल हमारे हैं, जबकि सरदार पटेल आरएसएस के सबसे बड़े विरोधियों में से एक थे। आइए आपको सुनाते हैं अजय सिंह राहुल ने और क्या कुछ कहा। कब हिंदुस्तान में जब सब बेच डाले तब झंडो बेचे के याद आए, कौनो चीज बची नहीं ना। जौन जौन चीज कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ पूर्व प्रधानमंत्रीगण, चाहे नेहरू जी रहे हो, चाहे शास्त्री जी रहे हो, चाहे इंदिरा जी रही हो, एयर इंडिया, इंडियन ऑयल, बीपीसीएल, गेल, सब देश के कगार पर, LIC, रेलवे, अब कुछ नहीं बचा। बड़कैंड के याद आए कि अभी खैने चीज बची है पुरान और झंडों में। हम हैरान रहे, कल परसों एक आदिवासी गांव में हम रुके रहे, वो देखते बैगा चाय पिया हुआ थमे आवा, कह भैया ये बताए कि झंडा खरीदे जरूरी है। हम फिर कहे कहने सेकेंडरी ड्यू ले रहा, कहते जितने जने घर में सब जने 30 रुपया के झंडा खरीदा है, सब जगह हो रहा। या यदि एकर को शोध कर यह बहुत बड़ा घोटाला साबित हो, मध्यप्रदेश में हमें कोई कसर नहीं। खरीदा का 15 रुपया, बेचा जा रहा 30 रुपया, जब झंडा का बेचते ये भाजपा, तब हमें अपना का सोचना चाहिए कि हमारा अपना की आजादी खतरे में है। यदि हम बच्चिया बहनों नहीं समझ पाए इनका एजेंडा क्या है, एजेंडा सिर्फ सरकार बनावे के नहीं है, एजेंडा है पूर्व इतिहास का बदल ले। इतिहास कैसे बदला जाए, शुरुआत हो गया बच्चन के किताबन, ये आजादी की लड़ाई लड़े रहे हुए उनका नाम धीरे धीरे से गायब हो रहा है। जिनका बचपन में हम बच्चे चौथी पांचवी पर पढ़े कि फ्रीडम फाइटर को रहा वो फ्रीडम।